मैं अंकित कुमार आप सबके सामने हाजिर हूँ और जहाँ हम डिस्कस करेंगे आज चैप्टर संचार यानी कम्युनिकेशन, ठीक है। और कम्युनिकेशन को हम समझेंगे, कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम पुराने ज़माने को उठा करके देखें तो वहाँ सोचे उस समय कम्युनिकेशन के साधन कैसे थे, कैसे लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते थे। देखिए कम्युनिकेशन का साधन, अगर हम केवल साधनों पर बात करें तो कम्युनिकेशन का जो साधन है वो समय के साथ साथ डेवलप हुआ है। पहले सोचिए कि एक इंसान को दूसरे इंसान से कम्युनिकेशन करने के लिए, संचार माध्यम कनेक्ट करने के लिए आपस में एक दूसरे को अलग अलग साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता था। और साधन कैसे थे, कबूतर का इस्तेमाल, ठीक है, वो चील के द्वारा संदेश भेजना, ठीक है। फिर उसके बाद डाक सिस्टम हुआ। अब क्या है, आज के अगर हम मॉडर्न ज़माने की बात करें तो मॉडर्न ज़माने में आप SMS के थ्रू कर सकते हो, ठीक। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी बैठे हुए किसी को एक SMS कर सकते हो। व्हाट्सअप है, जो व्हाट्सअप तो इंटरनेट थ्रू फ्री है एकदम, ठीक। उसके बाद में और भी कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन है और लैंडलाइन है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें जिनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आज हम समझेंगे इस चैप्टर में कम्युनिकेशन के सारे माध्यम, कम्युनिकेशन क्या है, कैसे हो सकता है, उसका एडमिन में क्या रोल होता है, ठीक है, उन सब चीज़ों को आज हम क्लियर करेंगे कम्युनिकेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन को। देखिए पहले कम्युनिकेशन की मैं आपको परिभाषा समझा दूँ कि डेफिनेशन कम्युनिकेशन की क्या है। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन में डिस्कस करेंगे इसकी परिभाषा, और बैठ रहोगे आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिए तो बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे आप लोगों के। देखिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ संकेतों के थ्रू, मान लीजिए मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ आपको। देखिए ये मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी, अब देखिए दो व्यक्ति हैं, ठीक, और इन दो व्यक्तियों को आपस में कुछ भी एक दूसरे को कुछ बताना है तो ये किसी चिन्ह के थ्रू बता सकते हैं कि मान लीजिए चिन्ह बना दिए इन्होंने ऐसा करके, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ करके चिन्ह बना दिया कोई भी, या फिर कुछ भी बात हो गया, वार्तालाप हो गया। आप सोचिए कि जो गूंगे व्यक्ति होते हैं, बहरे व्यक्ति होते हैं, ठीक, जो गूंगे और बहरे व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं। वो भी तो आपस में करते हैं, कुछ इशारा करते हैं एक दूसरे को कि भाई इशारे में बात समझा देते हैं। जो आंखों से देख नहीं सकते वो भी दूसरे की बात समझते हैं, ठीक है, वो महसूस करके समझ लेते हैं। कुछ लोग उनकी एक लिपि भी होती है कि जैसे मान लीजिए उस पर ऐसे हाथ फिराते तो उनको पता चलता है कि क्या अक्षर लिखा है, ठीक है, तो वो भी कम्युनिकेशन का माध्यम ही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों या संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान जब करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है, संचार। अब देखिए विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान कैसे किया जाता है, यहाँ पर ये बनाया, ये मान लीजिए हमें कैसे ग्रुप बनाए थे पूरा का पूरा, ये देखिए। अब ये आपस में किसी भी तरह से कम्युनिकेट ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये चारों भी एक ग्रुप में आकर के आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यहाँ केवल यही नहीं, कितना भी इंसान आप व्यक्ति बढ़ा सकते हो। तो विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन के माध्यम होंगे। अब देखिए हम संचार की जो बात कर रहे हैं, जैसे सोचिए आप लोग व्हाट्सअप यूज़ कर सकते सब, ठीक, और व्हाट्सअप पे आप ग्रुप बना लेते हो, फेसबुक पे आप ग्रुप बना लेते हो, तो वो क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा है। तो वो भी मैं आपको समझाऊँ ग्रुप कम्युनिकेशन किसे कैसे होता है। तो ये थी हमारी कम्युनिकेशन की परिभाषा। आगे इसमें हम बात करते हैं, देखिए और कुछ लोगों ने कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ें बताई हैं, ठीक है, तो हम उनको डिस्कस करेंगे जो बहुत फेमस लोग हुए हैं और उन सब की थ्योरी भी हम डिस्कस करेंगे पहले आप कम्युनिकेशन के लेकर के। देखिए कम्युनिकेशन में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम अब कम्युनिकेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सफर्ड डिक्शनरी, और बहुत ही फेमस डिक्शनरी है ऑक्सफर्ड की, आप सभी ने यूज़ भी की होगी मैक्सिमम लोगों ने, और शायद आप अगर मोबाइल में भी यूज़ करते हैं तो आज भी आप मोबाइल खोल करके और ऑक्सफर्ड डिक्शनरी यूज़ करते हैं, तो बहुत फेमस है। तो मैं बताती हूँ यहाँ पर कि ऑक्सफोर्ड के अनुसार हम ऑक्सफोर्ड के अनुसार देखेंगे कम्युनिकेशन कैसा है क्या है। देखिए ऑक्सफोर्ड कहते हैं कि विचारों जानकारी वगैरह का विनिमय यानी कि समायोजन मिलाना उनको एक प्रकार से किसी और तक पहुंचाना या बांटना या चाहे वह लिखित हो। देखिए यहाँ पर फिर वही डायग्राम के थ्रू आपको सर इसमें डायग्राम बहुत अच्छा अच्छा सी चीज़ चलते रहेंगे कार्टून टाइप, तो ये अच्छा आपको लगते रहेंगे। अब देखिए ये मैं फिर से वही फिगर बना रहा हूँ ऐसे ही। देखिए
ये इंसान, मान लीजिए इंसान का नाम ए है और इसका नाम बी है, ठीक है। अब ए इंसान बी को या फिर बी इंसान ए को, ठीक है, किसी भी माध्यम से कोई संकेत दे रहा है। अब वो संकेत कैसा होगा, अपने विचार बांट रहा है। वो संकेत दो प्रकार से हो सकता है। कैसे? पहला होगा आपका लिखित और दूसरा होगा आपका मौखिक। और मौखिक को हम बोलते हैं, मौखिक को हम एक और भी चीज बोल सकते हैं, यानी कि अलिखित, ठीक। तो ये होते हैं दो प्रकार के संचार के आपके माध्यम। लिख लीजिए इनको, इनको हम देखिए ऐसे कर लेते हैं, संचार के माध्यम, ठीक। तो ये दो प्रकार के संचार के आपके एक माध्यम, एक लिखित होगा एक मौखिक होगा। तो ऑक्सफर्ड कहते हैं कि विचारों, जानकारी वगैरह का विनिमय किसी और तक पहुंचाना, ठीक है, या बांटना, चाहे वह लिखित हो या मौखिक या सांकेतिक विचार हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक संचार कहेंगे, ठीक है, उसे हम संचार प्रणाली कहेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट की हम बात करते हैं चार्ल्स ई ऑसगुड के बारे में, ठीक है। चार्ल्स ई ऑसगुड क्या कहते हैं उनको देखते हैं। देखिए चार्ल्स की ऑसगुड के अनुसार आमतौर पर संचार तब होता है जब एक सिस्टम या स्रोत किसी दूसरे या गंतव्य को विभिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से प्रभावित करता है, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पर कोई सिस्टम डेवलप करते हैं, सिस्टम कैसा कि आपने ये सिस्टम एक डेवलप किया, ठीक है, ऐसे ये खड़ा सिस्टम है और इधर ये मैं ऐसे एंटीना निकाल देता हूँ, इसका एक सिस्टम है समझ लीजिए, ठीक है, और इसमें कुछ भी संचार है, ठीक। अब ये संचार प्रणाली क्या है कि यहाँ पर बैठे जो विभिन्न प्रकार के लोग होंगे, ठीक, ये सब लोग इसको देख रहे हैं। अब देख कैसे रहे, मान लीजिए आप घर में टीवी देखते हैं, ठीक, या फिर कहीं सिनेमा हॉल में जाते हैं वहाँ कुछ देखते हैं, तो वो क्या आपको एक संचार का माध्यम होगा, आप न्यूज़ सुनते हैं, एक संचार का तो माध्यम है। तो ये कहते हैं कि आमतौर पर संचार तब होता है जब एक सिस्टम या स्रोत किसी दूसरे या गंतव्य को विभिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये किसका मानना है, चार्ल्स ई ऑसगुड का मानना है। ये एक सिस्टम की परिभाषा को ये डिफाइंड करते हैं यहाँ पर, और सिस्टम किसी भी प्रकार का हो सकता है। मान लीजिए कि जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक, आप यूट्यूब पे या किसी डीजी मोटर पे आप जाकर सुन रहे हैं, ठीक, तो ये जो आप सुन रहे हैं ये भी आपको एक संचार का माध्यम है आपके लिए। यहाँ पर क्या होगा कि आपस में दो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, मतलब मेरी बात आप सुन रहे हैं, मैं आप तक आपकी बात पहुँचा रहा हूँ, आप भी मेरे को अपनी बात बता सकते हैं, लेकिन क्या आप वीडियो के थ्रू मेरे को अभी क्या भी अपनी बात बता सकते हैं, संभव नहीं है, ठीक। लेकिन हाँ, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, वो होगा क्या, बाद की प्रक्रिया हो जाएगी थोड़ी सी। ये भी एकदम करंट, इस ये जो संचार की प्रक्रिया है इसमें कम्युनिकेशन जो होगा वो तुरंत के तुरंत नहीं होता, आप उस पर जो प्रक्रिया प्रतिक्रिया होगी अपनी वो बाद में व्यक्त कर सकते हैं, तुरंत व्यक्त नहीं कर सकते अपनी प्रतिक्रिया उस पर, ठीक। अब इसके हम बात करते हैं लुइस ए एलन के अनुसार। लुइस ए एलन क्या कहते हैं इसमें, उसको समझते हैं। देखिए लुइस ए एलन के अनुसार क्या है, संचार उन सभी क्रियाओं का योग है जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे के साथ समझदारी स्थापित करना चाहता है। समझे कैसे, मान लीजिए एक व्यक्ति हो गया, ठीक, और यहाँ पर कई सारे व्यक्ति मान लीजिए, अब देखिए ये जो व्यक्ति है ये इसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इनके साथ भी कर सकता है, इनके साथ भी कर सकता है, और इन सबको मिलाकर भी कर सकता है। अब ये मिला करने वाली प्रतिक्रिया क्या है, समझ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि अब सभी क्रियाओं का योग, ठीक, या सभी क्रियाओं के योग की बात है, सभी क्रियाओं का योग कैसे होगा, ये अपनी सभी क्रियाओं को मिला सकते हैं। आप क्रियाओं में क्या आती है, देखिए जैसे योगासन में क्रियाएं होती है ना, उसी प्रकार से आपकी समझ, आपकी सोच, आपके सिक्स सेंस जिसकी हम बात करते हैं, उन क्रियाओं की यहाँ बात होती है, ठीक।
तो उन क्रियाओं के योग की बात है कि उनके द्वारा, अब मान लीजिए ये व्यक्ति इस व्यक्ति को कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन इसने उसको इशारे में, मतलब कुछ इशारा कर दिया दूर से ही, ठीक है, और उस व्यक्ति ने भी अपने सेंस के अकॉर्डिंग उस इशारे को समझ लिया। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था ना, गूंगे व्यक्ति का या बहरे व्यक्ति का, ठीक। अब मान लीजिए कोई दो बहरे व्यक्ति हैं, ठीक है, तो आप सुन सकते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे कि इशारा कर देंगे और दूसरा व्यक्ति समझ लेगा। तो क्या है, वो क्रियाओं के द्वारा इशारा हो रहा है, ठीक है, वो संचार की माध्यम, संचार की प्रणाली वो किसके द्वारा है, वो क्रियाओं के द्वारा प्रणाली है। तो ये ऐसी क्रियाओं की बात करते हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है कि इसके अनुसार मानते हैं कि संचार अर्थों का एक पुल है। मान लीजिए अर्थों का एक पुल कहते हैं, ये कहते हैं इसमें कि कहने, सुनने और समझने की एक व्यवस्थिति तथा विनिमय प्रक्रिया शामिल होती है इसमें। देखिए अर्थ को एक पुल कैसे, मैंने अभी बताया कि कोई बहरा है, गूंगा है, ठीक। तो इसमें अब बहरा जो व्यक्ति होगा उसके पास में एक व्यक्ति खड़ा है और वो उसको कुछ बोल रहा है बहरे व्यक्ति को, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं, वो इशारे करेंगे तभी समझ पाएगा। तो जो कम्युनिकेशन संचार का जो माध्यम हो गया वो कुछ स्पेशल हो गया, विशेष हो गया। और उसी के साथ में मान लीजिए कोई गूंगा व्यक्ति है, वो कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन वो बोल नहीं सकता, वो भी इशारा करके ही बताएगा सामने वाले को कि भाई ये चीज़ है। तो जो विशेष माध्यम जो हो गया, यहाँ उसकी बात करें कि विशेष माध्यम एक पुल के अनुसार मानते हैं उसको, ठीक है, कि इस पार से उस पार जाने के लिए। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कैथ डेविस के अनुसार क्या है, ठीक है, कैथ डेविस के अनुसार की प्रक्रिया इसमें देखेंगे संचार की। देखिए कैथ डेविस के अनुसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना भेजने तथा समझने की एक विधि है। अब सूचना भेजने की विधि और समझने की विधि कैसे समझे इसको, मान लीजिए, फिर मैं वही डायग्राम देखिए ये बनाता रहूँगा मैं यहाँ पे, संचार की बात व्यक्तियों में हो रही है, क्योंकि देखिए ये है, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है ए, ये बी को कुछ संचार यानी कम्युनिकेशन के जो माध्यम से कुछ समझाना चाह रहा है। अब इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि वो समझा किस माध्यम से रहा है। मान लीजिए कुछ कोड होंगे, कोड के माध्यम से कुछ स्पेशल कैरेक्टर हिसाब समझा रहा है। अब उनका कहने का मतलब है कि भाई वो कुछ ऐसे कोड बना देते हैं, ठीक है, या फिर वो उल्टा बी लिख देते हैं, ए ऐसे बना देते हैं, तो उनको पता है कि इनका अर्थ क्या है, हमें नहीं पता, लेकिन उनको पता है कि वो इसके जरिए क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए इसका अर्थ उनके हिसाब से होगा कि कहना या बोलना, तो वो उस जो स्पेशल कैरेक्टर उसको समझ जाएंगे कि भाई वो क्या कहना चाहता है, क्या उसका माध्यम है। तो इस प्रकार के संचार की ये बात करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना भेजने तथा समझने की विधि हो गई, ठीक है, कैट डेविसे कहते हैं। ये आवश्यक तौर पर लोगों में अर्थ का एक पुल होता है। और लोगों में अर्थ का पुल कैसे, देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं इस पुल का प्रयोग करके जो व्यक्ति है वो गलत की नदी पार कर सकता है। गलत की नदी पार करने का अर्थ यहाँ कैसे होगा कि अगर हम हैं, कोई नॉर्मल व्यक्ति है, तो वो इस वर्ड को वी समझ लेगा कि ये वी बना हुआ है, लेकिन वो जिसको समझाना चाह रहा है उसके लिए इसका जो अर्थ है वो दूसरा होगा। अगर हम उसकी लैंग्वेज को समझ लेंगे तो जो गलत से हमारे मन में भावना है ना, एक भावना, और भावनाओं को एक प्रकार से नदी कहा गया, तो जो गलत की नदी है हम उसको ब्रेक कर लेंगे, उसको समझ लेंगे, उसको पार कर लेंगे। तो एक प्रकार से जो माध्यम हो गया संचार का, ये पुल के भांति कार्य कर रहा है कि हम एक पार से दूसरी पार, यानी कि जो गलत की अवधारणा हमारे मन में है उसको पार करके दूसरी तरफ सही की तरफ आ गए हैं। तो कैथ डेविस के अनुसार व्यक्ति एक माध्यम से, एक से दूसरे व्यक्ति को किसी विभिन्न या फिर कैरेक्टर के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, ये कहते हैं संचार का मतलब इनके अनुसार ये है। अब इसमें हम बात करेंगे एलन के अनुसार क्या है, एलन को देखते हैं, एलन के अनुसार देखते हैं कि एलन क्या कहते हैं इस मामले में। देखिए ये कहते हैं कि संचार से तात्पर्य है उन समस्त तरीकों से है, संचार से तात्पर्य जिनको एक व्यक्ति अपने विचारधाराओं को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालने या समझाने के लिए अपनाते हैं। और यहाँ पे मैं फिर से एक एग्जांपल दूंगा, और देखिए यहाँ पर जो बातें हैं इनके अनुसार वो हम ये नहीं करते केवल हम व्यक्तियों की बात करते हैं, हम यहाँ पर जानवर को भी कंसिडर कर सकते हैं। सोचिए कि जानवर के आपसे बात कर सकते हैं, नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने मस्तिष्क से कुछ चीज़ें उनके मस्तिष्क में लोड कर देते हैं, ठीक है, उनके माइंड में डाल देते हैं। आप कहते हैं बैठना तो जानवर बैठ जाता है, आप कहते हैं खड़ा होना तो उठ जाता है, ठीक, तो वो भी क्या है, एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, वो आपको समझ रहा है, वो आपको सोच रहा है।
ठीक है, तो ये इसी प्रकार की बात करते हैं कि संचार से तात्पर्य है उन समस्त तरीकों से। अब यहां पर ये जो एक व्यक्ति है और ये दूसरा जो व्यक्ति हो गया, अब क्या इस व्यक्ति को ऐसे कुछ राइट्स दिए गए पर्टिकुलर कि ये कुछ लिमिटेड सोर्स का यूज करके इसको बोला जाए भाई आपको कुछ ऐसी चीजें यूज करें जिनसे आप समझा सको, तो क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जिनसे केवल ये कुछ चीजें समझा सके? अगर यहां बोल दिया जाए कि नहीं आप बस इनको समझाओ, ठीक है, ये जो व्यक्ति है इनके चेहरे पर देखो यहाँ पे स्माइल नहीं है, ठीक, तो ये कह रहे हैं कि इनको ऐसा समझाओ कि स्माइल इनके चेहरे पर आ जाए, और यहाँ पे भी ऐसे स्माइल आ जाएगा तो इनको लगेगा ये समझ गए। अब मान लीजिए जैसे आप हो, ठीक है, पहले आप लोग कोचिंग क्लासेज में जाते थे, स्कूल जाते थे और बड़ी बड़ी महंगी महंगी फीस देते हो आज भी कोचिंग क्लासेज में, लेकिन उस माध्यम की जगह आप जैसे यूट्यूब पर जा रहे हो, यूट्यूब पर गए आपने सर्च किया और पढ़ लिया जो आपको टॉपिक पढ़ना हो वहाँ पर आपने आकर पढ़ लिया, तो ये क्या है, पहले के मुकाबले अब संचार के माध्यम आसान हो गए हैं, अब आप किसी से भी कम्युनिकेट आसानी से कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों के चेहरे पे ऐसी खुशी बन जाती है, ठीक। तो एक माध्यम है वो समस्त तरीके की बात, मतलब सारे तरीके, यहाँ पर ये कहते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए किसी भी तरीके को अपना सकता है, और वो जो तरीका अपनाएगा जिससे वो समझ गया वही संचार का माध्यम कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपने शेर देखा होगा, ठीक है, अब जो शेर होता है जंगल में शेर को देख लो, ठीक है, आप देख कर कमरे ना खड़े हो पाओ, लेकिन वही शेर आप सर्कस में देखेंगे, ठीक, अब जब सर्कस में आप उस शेर को देखेंगे तो वो क्या करता है भाई, वो ऐसे इशारा करेगा और वो खड़ा हो जाएगा, ठीक है, वो आग के गोले में से जंप लगाएगा, ठीक, और बॉल पर भी खड़ा होता डांस करते हैं शेर, तो ये क्या हाथी कितना भारी हाथी होता है, लेकिन आप उसके माइंड में डाल देते हो एक बॉल पे खड़ा होकर आपको करतब दिखाता है, ठीक है, जैसे स्टंट करने लग जाता है, तो आपने कैसे करवाया वो स्टंट, क्या हाथी को पता था उसको स्टंट करना है, आपने संचार का माध्यम अपनाया, उस संचार के माध्यम को अपना करके ही आप उसको ये चीज़ समझा सके, और जो माध्यम अपनाया उसी को ये कहते हैं एलन कि वो जो आप जिस तरीके से आपने उसको समझाया वही तरीका संचार का माध्यम बन गया, वही तरीका संचार बन गया। अब यहाँ क्या होता है कि ये वास्तव में व्यक्तियों के मस्तिष्क के बीच में हुई बीच की खाई को पाटने वाला एक सेतु है, ठीक है, क्यों कैसे देखिए इन दोनों का जो ये माइंड है, ठीक, यहाँ पे माइंड, अब ये जो दोनों माइंड है ये आपस में कनेक्ट तो है नहीं कि भाई आपस में जुड़े हुए माइंड है, लेकिन फिर भी इन दोनों ने संचार किसी भी माध्यम से आपस में चीज़ें कनेक्ट कर ली, ठीक है, इन्होंने इनको समझा दिया, क्या आप सबके माइंड, अब मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबके माइंड क्या मुझसे जुड़े हुए हैं, नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो समझा रहा हूँ समझाना चाहता हूँ वो आप लोग समझ रहे हैं, तो यही हो गया संचार का माध्यम इनके अनुसार, ठीक। तो क्या हो गया कि जो आपके और मेरे बीच में, अब आप मान लीजिए सोचिए आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो सकते हो और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप किसी भी कोने में बैठ कर कितना गैप हो सकता है हमारे बीच में, तभी भी आपको मैं चीज़ें समझा पा रहा हूँ, ठीक। अब कुछ लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, कुछ को समझ में आएंगी, तो जिनको समझ में नहीं आए उनके लिए कोई और रास्ता भी हो सकता है, और आप मान लीजिए मेरे को कमेंट करके बताते हो कि सर हमें चीज़ समझ में नहीं आई, इसका मतलब मैं कोई और रास्ता भी अपना करके आपको समझा सकूं, और जिस रास्ते से आप समझ जाओगे वो रास्ता क्या कहलाएगा, आपके और मेरे बीच में एक संचार का माध्यम कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि आगे मैक डेविड के अनुसार क्या है, ठीक है, अब हम बात करेंगे मैक डेविड और हरारी के अनुसार क्या है संचार का माध्यम। के अनुसार, ठीक है, अब इनके अनुसार देखते हैं संचार का माध्यम क्या क्या है। देखिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संचार से तात्पर्य व्यक्तियों के बीच विचारों और अभिव्यक्तियों के आदान प्रदान से है। समझते हैं कैसे, आपने कभी देखा है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो आपका दिमाग का संतुलन थोड़ा सा खो बैठते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कि भाई इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है, अब वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं जो उनकी बीमारी का इलाज कर सके। अब वो जो डॉक्टर होता है
कभी कभी आपने देखा मतलब वो डॉक्टर तो आपकी बीमारी का इलाज करता ही है, वो क्या करता है आपको हिप्नोटाइज करता है एक प्रकार से, और आपके दिमाग से खेलता है, मतलब कि आपको ऐसा करता है कि भाई ऐसे वो चेंज ले लेगा एक, वो उसको बोलेगा आप ऐसे, वो हिलाएगा उसको, बोलेगा आप इसको गौर से देखते रहो, या फिर क्या होता है उसके पास में ना, मैं आपको दिखाता हूँ डिजाइन बना करके, उसके पास में ऐसा गोला सा होता है ठीक है, जिसके अंदर ऐसे ऐसे राउंड राउंड ऐसे होते राउंड राउंड बहुत सारे, और वो क्या करता है ऐसा करके वो बोलता है सेंटर में देखो, और इसको घुमाता है, जब घुमाता है तो आप उसको सेंटर में देखते हैं और ऐसे खो जाते हैं बिल्कुल, जब आप खो जाते हैं तो आप क्या कहते हैं किसी और दुनिया में चले जाते हैं, और डॉक्टर जो भी आपके साथ में है वो आपसे जो क्वेश्चन करता है उनका आप जवाब देने लगते हैं, करेक्ट है। तो वो क्या होता है, वो आपके मस्तिष्क से जुड़ जाता है, आपके माइंड से जुड़ जाता है। ऐसे अब देखिए ये व्यक्ति है और इधर ये व्यक्ति है, अब मान लीजिए ये डॉक्टर है आपका ठीक है, ये नॉर्मल व्यक्ति हो गया, अब ये डॉक्टर इस माइंड से कभी नहीं जुड़ सकता, लेकिन वो जो हिप्नोटाइज का सिस्टम होता है ना उससे वो जुड़ जाता है उसके माइंड से। अब वो जुड़ने के बाद में क्या करता है कि इसके माइंड से सारे क्वेश्चन, अब ऐसा तो नहीं कि जुड़ गया है तो सब पावर खींच लेगा कि नहीं तेरे माइंड में जो भी डेटा मैं निकाल दूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन वो पूछेगा उसके जवाब यहाँ पर दिए जाएंगे। ऐसे होता है वो नार्को टेस्ट जो आपका होता है, अगर आपने कभी उसको देखा होगा मूवीज़ में, ये सब आपने बहुत बार देखा होगा, तो वहाँ क्या करते हैं कि भाई आपको एक प्रकार की दवाई खिला देते हैं ठीक है, और फिर आपको लेटा देंगे, फिर डॉक्टर जो जो आपसे पूछेगी उसका आप सही सही बिल्कुल जवाब, वो कहते हैं ना एक सच बोलने की दवाई, कि सच बोलने की दवाई है, तो उस प्रकार की बात है यहाँ पर कि सच बोलने की दवाई, और ये सच बोलने का इलाज वो हिप्नोटाइज करते हैं। अब इसमें कुछ और प्रतिक्रियाएँ भी होती है, कैसे समझिए, ये डॉक्टर इस व्यक्ति को बता रहा है, मान लीजिए कह रहा है कि आपको इस व्यक्ति को मारना है ठीक है, अब इसने डायरेक्ट तो नहीं बोला, लेकिन इसको हिप्नोटाइज करके ठीक, हिप्नोटाइज करके अपने आप जो चाहते हैं वो आप इसको बता दिया आपने ठीक, अपने माइंड की थॉट इसमें आपने डाल दी, डेवलप कर दी, और जब माइंड की थॉट आपने इसके अंदर डेवलप कर दी, तब डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होगा कि ये व्यक्ति जो आपने इसको माइंड समझाया वो इसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट करेगा, और जरूरी इसके ऊपर करे, अगर आपने इसके लिए बताया तो इसके लिए करेगा ठीक है, आपने किसी और के लिए बताया तो उसके लिए, मतलब जिसके लिए आपने बताया है वो उसी के लिए करेगा। तो ये क्या है, एक संचार की प्रक्रिया है ये भी। अब संचार का प्रक्रिया आप ये नहीं समझ सकते कि भाई आपने फ़ोन किया हेलो हाँ मैं यहाँ बोल रहा हूँ, संचार हो गया आपका ठीक है। संचार के भी विभिन्न विभिन्न प्रकार और प्रक्रिया होते हैं, और ये भी उनमें से एक है ठीक, कि किसी के मस्तिष्क को मतलब माइंड को आप कनेक्ट कर लो, और जो आप चाहते हो उससे वो करवा लो, या फिर जो आप डेटा चाहते हो उससे वो निकलवा लो, तो वो भी क्या है आपका कम्युनिकेशन का साधन है। कहते हैं ना कि वो पुलिस वाले बोलते हैं कि बेटा तू प्यार से तो बताएगा नहीं, और जब तू प्यार से नहीं बताएगा तो क्या इस तरीके से बताएगा, तो चीज़ें निकाली आती है, तो संचार है वो भी, कम्युनिकेशन है वो भी। अब इसमें हम एक और डिस्कस करेंगे क्रच एवं उनके साथियों के अनुसार क्या है संचार का माध्यम। अब देखिए ये कहते हैं किसी वस्तु के विषय में समान या सहभागी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रतीकों का उपयोग ही संचार है। यदि मनुष्य में संचार का महत्वपूर्ण माध्यम जो है वो भाषा ही है, फिर भी अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए कैसे कि मान लीजिए ये एक व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति हो गया, तीन व्यक्ति हो गए। अब देखिए संचार क्या है, हर वो चीज जिसको देख करके आप कोई प्रतिक्रिया करते हो वो संचार का माध्यम है। कैसे, सपोज दैट कि आप कोई वाहन चलाते हुए रोड पे जा रहे हो ठीक, और रोड पर आपको जाने के बाद में ऐसे आपने देखा होगा कि तीन लाइटें होती हैं, ऐसे मैं बताता हूँ आपको समझाता हूँ, एक लाइट यहाँ बनी है, एक लाइट यहाँ बनी है, और एक लाइट यहाँ बनी, ये तीन लाइटें हैं। अब इस लाइट में ये आपकी रेड है, ये येलो है, ये ग्रीन है। अब आप जा रहे हैं तो क्या किसी ने आपको बोला कुछ नहीं, आप चल रहे हैं और ये वाली लाइट अगर जल गई ठीक है, मतलब ये लाइट जल गई, आप क्या करेंगे अपने वाहन को रोक करके इंतजार करने लग जाएंगे ठीक,
इसका मतलब क्या है कि आपने चीज़ों को समझा, आपको किसी ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन आपने संचार के माध्यम से चीज़ों को समझ लिया, और ये एक प्रतीक की तरह काम करता है आपके, ठीक है। आपने समझ लिया उस चीज़ को तो आप वहाँ रुक गए, फिर क्या होता है थोड़ी देर बाद में येलो लाइट की जगह पर रेड लाइट की जगह पर येलो लाइट हो जाती है। जब ये येलो लाइट होगी तब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा एकदम सचेतक हो जाएंगे, सोचेंगे अरे भाई अब तो हमारी लाइट खुलने वाली है, 5 सेकंड का टाइम है, और एकदम रेडी हो जाएंगे। रेडी कैसे हो जाएंगे, अपना बाइक वाइक जो कार वार आपके पास होगी, जो भी वाहन है उसको स्टार्ट करने लगेंगे। और जैसे ही ग्रीन लाइट का आपके पास सिग्नल आएगा, सिग्नल को आपने देखा, प्रतीक देखा, आप स्टार्ट कर चल देंगे आगे। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से ये हो गया प्रतीकों का माध्यम, ठीक। और इस प्रकार के विभिन्न प्रतीक होते हैं। जैसे आप मेट्रो में जाते हैं तो मेट्रो में आप देखो लोगो लगा होता है कि यहाँ मत बैठिए, खाना पीना मना है, और ड्रिंक अलाउड नहीं है यहाँ पर, डू नॉट स्मोक का, ठीक है। तो सब क्या है, एक प्रकार से कोई व्यक्ति आपको, अब ये वो व्यक्ति जो आप मान लीजिए भीड़ में घूम रहे हैं, वहाँ भीड़ है ऐसी, ठीक है, भीड़ में घूम रहे हैं, तो कोई व्यक्ति तो आपको बता नहीं रहा कि भाई नहीं यहाँ पर आप ये धूम्रपान नहीं करेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, ठीक। वहाँ पे हो क्या रहा है कि आपने एक प्रतीक देखा और आपको समझ में आ गया कि भाई ये चीज़ यहाँ पे अलाउड नहीं है करनी, या फिर ये चीज़ जाने के लिए। कभी कभी होता ना कि कुतुब मीनार के लिए आप इस तरह से जाएँ, या फिर छत्रपुर के लिए आप ऐसे जाएँ, तो ये क्या है, ये भी एक प्रतीक है, ये साइन बोर्ड पे लगे होते हैं आपके, ठीक। तो ये सब क्या है, ये भी एक संचार के माध्यम है। हर वो चीज़ जिससे इंसान को कुछ प्रतिक्रिया मिले, कुछ नया मिले, कुछ जानने को मिले, वो क्या हो गया आपका, संचार का माध्यम। और आगे हम भी डिस्कस करेंगे इसमें और कुछ संचार के टाइप्स हैं जिनको हम एक थ्योरी तरह अच्छी तरह पढ़ेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो याद जो मैंने आपको बताया कि भाई जो स्पेशल लोग हैं, बहुत महत्वपूर्ण फेमस लोग हैं, उन्होंने संचार के अपनी प्रतिक्रिया में क्या क्या समझाया, क्या क्या बताया, वो आप लोगों को मैंने अब समझा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें।